सॉरी गाइस, थोड़ा टाइम लग गया. आई एम सॉरी, कुछ चीज़ सी. आई एम नॉट एट माय प्लेस, आई एम एट अ डिफरेंट प्लेस. टुडे एवरीवन, कैन यू हियर मी नाउ? यस, ग्रेट. ठीक है, टुडे व्हाट वी विल डू, वी विल डू इक्वेशंस इन इक्वेशंस फॉर स्क्वायर रूट फंक्शन. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन से. ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन और उसके बाद मॉडुलस. दोनों होपफुली आज की क्लास में नहीं कंप्लीट होंगे, तो जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी स्क्वायर रूट फंक्शन ही करेंगे. ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट के बाद मॉडुलस. लेट्स सी कि कितना हो पाता है. एवरी वन हेडिंग डालो स्क्वायर रूट. अगेन, ये सारी की सारी चीजें, एवरीथिंग आर द बेसिक. ये सारी की सारी चीजें जो कम एक टॉपिक के अंदर आती हैं, इन इक्वेशंस. ऑल वी आर स्टडिंग आर इन इक्वेशन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन इक्वेशंस करेंगे. देखो, अगर मैं सबको फ्लो बता दूं, इन इक्वेशंस जो हम करेंगे, इन इक्वेशन में बहुत सारी चीज है. फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. फिर SNS, ठीक है, फिर PNC. ये फ्लो हमारा चैप्टर का होगा. अभी जब तक थ्योरी ऑफ इक्वेशंस नहीं शुरू होता, उससे पहले इन इक्वेशंस विच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ योर मैथ्स फॉर 11th 12th. सारी की सारी चीजें जो इन इक्वेशंस की होंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आराम से करेंगे. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक रेगुलर ट्रैक चल रहा है. दिस इज अ कवर अप लेक्चर. आई डोंट वॉन्ट टू बर्डन यू. And we have lots of time. मतलब हम ऐसा कोई जल्दी nothing is, कोई चीज रुकी नहीं है. ठीक है, किसी ने एक लेक्चर किया हो, किसी ने दो लेक्चर किया हो, does not matter. हम सारे के सारे लेक्चर्स वापस से करेंगे. ठीक है, करते हैं. Let's start with the first thing. सीधे everyone give me the answer for this. All these are subtopics, different subtopics हैं. So continuation है नहीं है does not matter. थोड़ी चीजें पिछले से related होंगी, most of the चीजें नहीं होंगी. Everyone make separate notebook for this and अपना straight line. Straight line के लिए totally separate notebook होनी चाहिए, इसके लिए separate होनी चाहिए. Everyone give me the answer for this. Yes. बिल्कुल सिंपल सा है. वेरी गुड, काफी लोग आंसर दिए. वेरी सिंपल. आई कैन स्क्वायर बोथ साइड. अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, और ये 5 उधर गया, 4 प्लस 5 विच इज x इज इक्वल टू 9. ठीक है, इतना क्लियर है सबको, x इज इक्वल टू 9. ओके, अच्छा, मुझको इसका आंसर बताओ. -2 ही लिख देता हूं. चलो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू -2. इसका आंसर बताओ. एवरीवन, मेरे सारे के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे हो रहे हैं. आपको प्लेलिस्ट डिफरेंट यूट्यूब में सर्च करना पड़ेगा. यू विल गेट इट ऑन यूट्यूब. ठीक है, काफी लोग मुझको 9 आंसर दे रहे हैं, विच इज अ रॉन्ग आंसर. विच इज अ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, विच इज अ रॉन्ग आंसर. क्यों? ठीक है, इसका आंसर है नल सेट. व्हाई? सी, एक सीधी सी बात है जो हमने बहुत पहले भी पढ़ी थी, या स्क्वायर रूट कैन नेवर बी निगेटिव. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर रूट कैन नेवर बी निगेटिव. यहां पे एक स्क्वायर रूट की वैल्यू -2 है.
ठीक है, स्क्वायर रूट क्या कभी पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव हो सकता है? कैन पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव हो सकता है? नो. तो ये चीज निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका आंसर है नो सॉल्यूशन. मतलब तुम लोग क्या करने लगे, तुम लोगों ने स्क्वायर कर दिया. स्क्वायर करने के लिए एक सीधी सी कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए. आई कैन स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ माई बोथ साइड्स आर पॉजिटिव. -2 इज इक्वल टू 2, इज इट ट्रू? नो. बट आफ्टर स्क्वायरिंग 4 इज इक्वल टू 4. समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर हमेशा नहीं कर सकते. स्क्वायर करने के लिए फॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स शुड बी पॉजिटिव. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो अगर मैं तुमको दो क्वेश्चन दूं, यहां पे दो क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, और दूसरा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4. पहले का आंसर क्या होगा? वी कैन स्क्वायर बोथ साइड. क्यों? दोनों साइड पॉजिटिव है. वी कैन स्क्वायर बोथ साइड. तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू 16. दूसरी साइड इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो आंसर आएगा नो सॉल्यूशन. एवरीवन ध्यान रखना, वी कैन स्क्वायर बोथ साइड इफ एंड ओनली इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव. ठीक है, ऐसा मैं अभी समझा रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि अभी हम आगे चीजें. ये चीज क्लियर हुई? अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे है. हमें इक्वेलिटी सॉल्व करना तो बहुत इजी होता है. मुझको ये बताओ, 3 greater than 2 है, कैन आई स्क्वायर बोथ साइड? स्क्वायर करने से क्या होगा? 9 greater than 4. ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, 3 greater than -5. कैन आई स्क्वायर बोथ साइड? नो, नो स्क्वायर, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा. अच्छा, -3 greater than -5, कैन आई स्क्वायर बोथ साइड? नो. तो समझ में आया, वेन कैन यू स्क्वायर? When can you square? You can square if and only if both sides are positive. Got it? किसी को कोई भी confusion हुआ होगा, दूर हो चुका होगा. ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन करें आगे. पहला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4. आंसर,
इसका आंसर ब्रैकेट्स के फॉर्म में, ब्रैकेट्स के फॉर्म में मुझे आंसर, मुझे ब्रैकेट्स के फॉर्म में चाहिए। काफी लोग सही सही आंसर दे रहे हैं। आई कैन स्क्वायर बोथ साइड एक्स ग्रेटर देन 16, तो आंसर आया एक्स बिलोंग्स टू 16 से इंफिनिटी, दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट के फॉर्म में आंसर। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अब यहां पे तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा यूज हो सकता है। इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेस देन 4, इसका आंसर। पहले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर किया, क्यों, दोनों साइड पॉजिटिव था तो x ग्रेटर देन 16 आया, x ग्रेटर देन 16 का मतलब 16 से इंफिनिटी। ओके, कुछ लोग अजिंक्या का अभी तक बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, अजिंक्या का परफेक्टली करेक्ट, बाकी किसी का अभी तक मुझे परफेक्टली करेक्ट नहीं मिला। ठीक है, हाँ, काफी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो इट्स ओके मे बी, क्योंकि कवर अप सेशन में एक्चुअली मिक्स क्राउड होता है, कुछ लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े होते हैं, कुछ लोगों ने कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े होते हैं, तो दैट इज ओके, मैं एक्सप्लेन करूंगा वापस से। स्क्वायर रूट के बारे में एक प्री कंडीशन होती है, व्हाट इज द प्री कंडीशन फॉर अ स्क्वायर रूट, द प्री, गुड यश पाटिल, प्री कंडीशन फॉर स्क्वायर रूट इज कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा जीरो या पॉजिटिव नंबर हो सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता, स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड फॉर निगेटिव नंबर्स, डू यू गाइज एग्री, स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड फॉर निगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ -10 नहीं डिफाइन है, स्क्वायर रूट ऑफ -15 नहीं डिफाइन है, तो काफी लोगों का आंसर आ रहा है मेरा, मेरे पास -infinity से 16, तो निगेटिव नंबर के लिए तो स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को जो ये मैं बोल रहा हूं, इसका मैथमेटिकल टर्म होता है डोमेन, डोमेन ऑफ द क्वेश्चन, एवरीवन, मैथमेटिकल टर्म इज डोमेन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आएगा, वेन एवर देर इज अ स्क्वायर रूट इन द क्वेश्चन, देन हमें सेपरेटली उसका डोमेन निकालने की जरूरत है। तो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स है, तो एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये इसको बोलेंगे डोमेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द क्वेश्चन। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आए होगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी। लेकिन डोमेन इज नॉट द सॉल्यूशन, डोमेन तो सिर्फ एक पार्ट है, क्या दोनों साइड पॉजिटिव है, बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव, तो आई नीड टू स्क्वायर इट, x belongs to -infinity से 16। क्वेश्चन के लिए डोमेन भी सही होना चाहिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सही होना चाहिए, तो मेरा फाइनल आंसर होता है इन दोनों पार्ट का इंटरसेक्शन लेना दो सेट्स का,
तो मेरा फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 16। एवरीवन, इसका मतलब आएगा x बिलोंग्स टू 0 टू 16। जिसको इंटरसेक्शन लेना नहीं पता है वो अभी मैं इंटरसेक्शन लेना भी बताऊंगा। अगेन, जब भी स्क्वायर रूट आएगा देयर वुड बी अ डोमेन, डोमेन डोमेन में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है, जिससे मेरा एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी आया एक्स। अब ये सॉल्विंग वाला पार्ट है, एक्स लेस देन 16, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 16, ठीक है, तो फाइनल आंसर इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो आंसर आया एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 16। इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है वो भी मैं समझा दे रहा हूं। इंटरसेक्शन निकालने के लिए एवरीवन, एक तो सीधे सीधे तुम बाई ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, अच्छा ये 0 से इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी से 16 है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, 0 टू 16, दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड है मैं नंबर लाइन बनाऊ, दिस इज माई नंबर लाइन गाइस, ठीक है, दिस इज माई नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे देखो, एक पॉइंट मुझको यहां पे 0 मिल रहा है, एक पॉइंट यहां पे मुझको इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 16। 0 से इंफिनिटी वाले पार्ट किए को दिस इज 0 से इन्फिनिटी वाला पार्ट, मैंने ऐसे नंबर लाइन बना दी, एंड माइनस इन्फिनिटी से 16 एक दूसरे कलर से बनाओ, दो पोर्शन का इंटरसेक्शन लेना है, तो व्हाट इज द पोर्शन विच इज कॉमन, व्हाट आर टू लाइंस विच इज द कॉमन पोर्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है ना। कैन यू सी दिस पार्ट विच इज, तो 0 टू 16, ब्रैकेट्स अपना देख के लगा सकते हो तुम, ठीक है, नो इश्यूज। अभी इंटरसेक्शन वाली चीजें अगेन आएगी, अगेन अगेन, किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो ऐसे कम से कम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे हम, तो चीजें समझ में आएंगी। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस बेटा, अभी तो मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन मैं कवर अप में करूंगा, बेटा ध्यान से क्लास अटेंड करो ना, व्हाई द सेम क्वेश्चन। एवरीवन प्लीज अटेंड द क्लास सिंसियरली। क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेस देन माइनस फोर, गुड, काफी लोग का अच्छा आंसर आ रहा है। आंसर है इसका नो सॉल्यूशन, आंसर इसका नो सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लेस देन नेगेटिव नंबर पॉसिबल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब पॉजिटिव नंबर लेस देन निगेटिव नंबर पॉसिबल है, नहीं, ओके ग्रेट, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी फिर चारों क्वेश्चन मैं लाइन से अगेन समझाऊंगा, डोंट वरी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर,
एवरीवन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर. यश श्रवण गुड, सुजल गुड, ब्रैकेट्स के साथ आंसर दो. एवरीवन गिव मी द आंसर विद ब्रैकेट्स, बिना ब्रैकेट आई डोंट एक्सेप्ट आंसर. पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव कब होता है? हमेशा होता है. डू आई नीड टू सॉल्व पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव? डू आई नीड टू सॉल्व पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव? नो. तो पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव में कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे मुझे क्या देखना पड़ेगा? डोमेन. डोमेन क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, विच इज x बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी. ठीक है, x बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी. ठीक है, ये लिख लो चारों, फिर मैं इन चारों उसका चार एक ही उसमें टेबल बनाऊंगा, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन से चार तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं. इतना जानो, मुझे हर क्वेश्चन में डोमेन निकालना था. आई हैड टू फाइंड आउट डोमेन इन ऑल द क्वेश्चन. यहां पे भी मुझे डोमेन निकालना था, यहां पे भी मुझे डोमेन निकालना था, लेकिन जब एक पार्ट से नो सॉल्यूशन आया है तो डोमेन का इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा. मतलब नो सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन विद डोमेन विल गिव मी नो सॉल्यूशन. ठीक है, यहां पे भी मैंने डोमेन निकाला था, यहां पे भी डोमेन जीरो टू इंफिनिटी और एक्स बिलोंग्स टू 16 टू इंफिनिटी. इन दोनों का इंटरसेक्शन, जीरो टू इंफिनिटी एंड 16 टू इंफिनिटी का इंटरसेक्शन क्या बनेगा? तो हर क्वेश्चन में मुझको डोमेन निकालना है. I had to find out domain in all the question. ठीक है, मैं अभी बता दूंगा, समझा दूंगा. ठीक है, देखो एवरीवन समझो, वापस से समझ रहे हैं. हमने चार तरह के क्वेश्चन देखे, पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव, पॉजिटिव लेस देन निगेटिव. हमने चार तरह के क्वेश्चन देखे ना एवरीवन. देखो, रूट एक्स ग्रेटर देन फोर, रूट एक्स लेस देन फोर, रूट एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, रूट एक्स लेस देन माइनस टू. वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, वैल्यू का कोई फर्क नहीं है. डोमेन, पहले स्टेप में डोमेन निकालोगे, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप स्क्वायर एंड सॉल्व, और तीसरा स्टेप इंटरसेक्शन. डोमेन, स्क्वायर एंड सॉल्व एंड इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है, दूसरे उसमें भी डोमेन,
स्क्वायर एंड सॉल्व इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड. क्यों स्क्वायर कर सकते थे? दोनों साइड पॉजिटिव था. अगेन रिपीट कर रहे हैं, क्यों स्क्वायर कर सकते थे? दोनों साइड पॉजिटिव था. इस पे आते हैं. इन दोनों में हम स्क्वायर तो कर ही नहीं सकते, तो अच्छी बात है. अगर स्क्वायर नहीं कर सकते तो सॉल्व ही नहीं करना. या इस वाले केस में पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव कब होता है? हमेशा होता है. यहां पे सीधे सीधे डोमेन इज द आंसर. कुछ करना नहीं है. हेयर ओनली द डोमेन इज द आंसर. यहां पे आंसर नो सॉल्यूशन. यहां पे डोमेन निकालने की भी जरूरत नहीं है. क्यों? पॉजिटिव लेस देन निगेटिव कभी पॉसिबल है? नहीं है. खत्म बात. आई डोंट नीड टू फाइंड आउट डोमेन. आई नीड डोंट नीड टू सॉल्व फॉर एनीथिंग. सीधे सीधे पॉजिटिव लेस देन निगेटिव. ये टेबल बना लो. होपफुली इस टेबल ने सारी चीजें क्लियर कर दी है. ठीक है, अभी हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे. मैं नीचे क्वेश्चन दे रहा हूं. पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, एवरी वन सब लोग ऑन टाइम लिखा करो. इतने लोग मैसेज किया करते हैं पीछे से कि सर स्क्रीन शॉट लेना है या टेबल नहीं है. प्लीज एवरी वन दीज आर द फोर क्वेश्चंस. प्लीज डू इट एवरी वन यू हैव. मैं पहला क्वेश्चन चलो बता देता हूं. पहला तो बहुत इजी है, बट स्टिल पहला फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि मैं डोमेन के साथ बताऊंगा पहला क्वेश्चन. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन फोर. दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव है. बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव. एवरीवन एग्री? तो स्टेप वन सेज डोमेन. सब लोग मुझे पहले क्वेश्चन का सिर्फ डोमेन बताओ. एवरीवन टेल मी द डोमेन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, नॉट द आंसर. एवरीवन टेल मी द डोमेन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. बहुत लोग पहले क्वेश्चन का डोमेन गलत बता रहे हैं, उसको मैं सही करता हूं. लेट मी करेक्ट द डोमेन गाइस. लेट मी करेक्ट द डोमेन फॉर यू.
इसका डोमेन है, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब x माइनस थ्री स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री यानी x बिलोंग्स टू थ्री से इंफिनिटी, ये हुआ मेरा डोमेन। सेकेंड पार्ट, स्क्वायर एंड सॉल्व, क्यों स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, डोमेन निकल गया, ये निकल गया, इसके बाद सीधे सीधे हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे कॉमन सेंस से दिख रहा है, थ्री से इंफिनिटी है, 19 से इंफिनिटी है, व्हाट इज द कॉमन पार्ट, ठीक है एवरीवन, फोकस ऑन दिस, पहले उसका आंसर है 19 से इंफिनिटी, पहले आप सब लोग दूसरा सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन लिख लोगे उसके बाद सॉल्व करोगे, एवरीवन यू विल राइट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन एंड देन सॉल्व, क्योंकि फिर मैं ऊपर नहीं आने वाला हूं वापस क्वेश्चन दिखाने, ठीक है, नाउ यू हैव 5 मिनट्स टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है, आंसर इसका 19 टू इंफिनिटी है, डोमेन स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो थ्री से इंफिनिटी स्क्वायर कर दिया, ग्रेटर देन 19 तो 19 से इंफिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन मीन्स इन दोनों का कॉमन पार्ट, क्या कॉमन पार्ट है, 19 से इंफिनिटी कॉमन पार्ट है, 19 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट्स, क्यों, क्योंकि यहां पे 19 पे ओपन ब्रैकेट है, दैट्स इट, ठीक है, एवरीवन यू हैव 5 मिनट्स टू डू ऑल द 3 क्वेश्चंस, ठीक है, एक साथ मुझे आंसर देना तीनों क्वेश्चन के, अलग अलग करके नहीं, गिव मी द आंसर फॉर टुगेदर, ठीक है।
अब देखें काफी लोगों के तीन तीन आंसर आ गए हैं, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। तुहिन का आया है, शुभांगी, यशवन, अश्विनी, देखते हैं मैं तीनों। हाँ लेट मी सॉल्व इट। यही कर लेते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। अगेन सेम चीज, स्क्वायर दोनों साइड पॉजिटिव है, तो डोमेन, सबसे पहले डोमेन, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्यों? स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, तो इसका मतलब माइनस टू से इन्फिनिटी। गुड, काफी लोगों ने सही किया था। ये मेरा पहला स्टेप होगा। मेरा दूसरा स्टेप स्क्वायरिंग, तो x प्लस टू लेस देन 25, x लेस देन 23, तो माइनस इन्फिनिटी से 23, ठीक है। अगेन मैं लास्ट टाइम बता दे रहा हूं, यहाँ पे इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ये नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे सबसे पहले जो जो पॉइंट्स हैं वो ड्रॉ कर लिए, कौन सा, माइनस टू 23। अब देखो माइनस टू से इंफिनिटी क्या होगा, ये रहा माइनस टू से मैं इंफिनिटी गया एंड माइनस इंफिनिटी से 23 आया, देखो कौन सा कॉमन पार्ट है, कितने पोर्शन में मुझे दो लाइन दिख रही है, तो इसका आंसर है इंटरसेक्शन माइनस टू से 23, माइनस टू पे क्लोज था एंड 23 पे ओपन था, तो पहले का आंसर है माइनस टू से 23, ठीक है, सॉरी दूसरे का। तीसरा, पॉजिटिव लेस देन निगेटिव, डू आई नीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3? नहीं, सीधे सीधे मैं आंसर लिखूंगा नो सॉल्यूशन। फोर्थ, पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव, तो ऑल आई नीड टू चेक इज डोमेन, एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मेरे इसका आंसर आएगा माइनस 5 से इंफिनिटी, ठीक है। सेकेंड का आंसर है माइनस 2 से 23, तीसरे का है नो सॉल्यूशन, और चौथे का है माइनस 5 टू इंफिनिटी, माइनस 5 पे क्लोज ब्रैकेट। जिनके ये तीनों आंसर सही हुए थे प्लीज रेज योर हैंड। गुड, वेरी गुड, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्लास, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। सो गुड, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमने चार तरह के केसेस देखे थे, चार तरह का टेबल देखा था और उनको सॉल्व करने का मेथड देख लिया। एक और क्वेश्चन करें, रूट ऑफ 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2,
रूट ऑफ 5 माइनस x ग्रेटर देन 2, आंसर बताओ। गुड तो हिंट, अजिंक्या नहीं, आर्यन गुड, अथर्व गुड, जिंका जिंका सही उन्हीं का नाम ले रहा हूं मैं जिसमें। अथर्व देसाई गुड, आंसर है माइनस इंफिनिटी से 1। दोनों साइड पॉजिटिव है, यस, तो इसका मतलब डोमेन, लेट मी वर्क ऑन डोमेन। 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो चाहे 5 एक्स को इधर भेजो चाहे 5 को इधर भेजो, मतलब जो या ऐसा x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इससे आंसर क्या निकला? माइनस इंफिनिटी से 5। स्क्वायरिंग अगेन वही वो चीज, x को इधर भेजा 4 को इधर भेजा, x belongs to माइनस इंफिनिटी से 1। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, आंसर इंटरसेक्शन इन दोनों का ऊपर नीचे का, तो सीधे सीधे आंसर है माइनस इंफिनिटी से 1। ठीक है, इसको कुछ लोग ये लिखेंगे ना, x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू 5 का सीधा सीधा आंसर ये होता है माइनस इंफिनिटी से 5, जो कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा मेथड है। एक और क्वेश्चन करें, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द थ्योरी, मतलब मॉड्यूलस। इन दोनों उसमें इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज करके भी कर सकते थे। किसी ने अगर यहां इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, फिर x लेस देन इक्वल टू 5, यहां पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 5 लेस देन माइनस 4, तो इधर भेजा। ठीक है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, दैट इज अनदर मेथड टू डू इट। तुम जिस भी मेथड से करोगे आंसर तुम्हें सेम आएगा। क्वेश्चन,
दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनी मतलब स्क्वायर रूट, उसके बाद वी विल कम टू मॉडुलस. करो एवरीवन, ये करो. किसी ने सही नहीं दिया है. गुड गुड रुतुजा, थोड़ा सा ब्रैकेट्स का ध्यान रखो. एवरीवन करेक्ट आंसर देने की कोशिश करो. No correct answer. Positive greater than negative. कब होता है? Positive greater than negative में हमें क्या चेक करना होता है? सिर्फ और सिर्फ I need to check domain. Shubhangi, good. I only need to check domain. Agree? I only need to check domain. Yani, yahi mujhe solve karna hai. This is my answer to solve. अच्छा, यहां नीचे 5 माइनस 2x आ रहा है ना. जब भी x का कोएफिशिएंट निगेटिव होता था तो वेवी कर्व इनइक्वालिटी में क्या करते थे? पॉजिटिव बना लेते थे. अब ये एक इनइक्वालिटी है ना. हाउ डू यू सॉल्व इनइक्वालिटी? अपना वही जो पिछली क्लास वाला मेथड, 5 by 2. I needed which portion? I needed negative portion. कहां है negative portion? 5 by 2 से 5. Brackets. Numerator के brackets closed and denominator के brackets open. Numerator के brackets closed and denominator के brackets open. ठीक है, सो दिस इज इट. दैट्स हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डोमेन चेक किया और डोमेन में वेवी कर्व मेथड यूज किया. ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि जब भी मोर देन वन टर्म्स होते हैं, मतलब दो टर्म हो तीन टर्म हो, तो हम वेवी कर्व मेथड ही यूज करते हैं फॉर इनइक्वालिटीज. Got it? आगे करते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. ठीक है,
लेट्स फोकस ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. जिसको हम मॉड्यूलस फंक्शन भी बोलते हैं या जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू ईदर वी से दिस एज मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. जिन्होंने सुना होगा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना होगा तो पहली बार सुन लो. मॉड ऑफ फोर फोर होता है, मॉड ऑफ माइनस फोर भी फोर होता है. ठीक है, कोई है जिसने आज तक मॉड्यूलस फंक्शन कभी मतलब ये मॉड सुना ही नहीं, रेज योर हैंड. जिन्होंने मॉड कभी सुना ही नहीं कि मॉड नाम की भी कोई चीज होती है, एनीवन? ओके चलो गुड, मतलब सबने सुना है. तो ये तो अगर मुझे नोन वैल्यू है, पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव, नेगेटिव विल आल्सो बिकम पॉजिटिव. तो कैन आई राइट दिस माइनस फोर, दिस फोर एज am I correct? Yani minus of theek hai, isne mujhe ek bahut hi achhi cheez sikhayi ki मॉड एक्स की वैल्यू एक्स ही रहेगी अगर एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, एंड माइनस एक्स हो जाएगी इफ एक्स एक निगेटिव नंबर है. क्यों माइनस लगाया? जिसमें एक माइनस बाहर का और एक एक्स का माइनस मिलके मुझे पॉजिटिव दे दे. सो मॉड एक्स की दो वैल्यू बनेंगी डिपेंडिंग ऑन कि एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है. अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x ही रहेगी, अगर मेरा x निगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या बन जाएगी, बोलो? माइनस x. एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. ठीक है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसे पहले इसकी. मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, अगर जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो. बहुत ही सिंपल सी बात है. मॉड ऑफ माइनस एक्स वुड बी मॉड ऑफ एक्स. मॉड के अंदर का माइनस मैं गायब कर सकता हूं. डबल मॉड ऑफ एक्स इज सेम एज सिंगल मॉड. मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई.
ठीक है. एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, एग्जांपल लेके देखते हैं. यहां पे साइड में ही लूंगा मैं. एवरीवन एग्री? अगर मॉड एक्स की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी. ठीक है, अगर मॉड एक्स की वैल्यू माइनस 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? Everyone, रिपीट कर रहा हूं, अगर मॉड एक्स की वैल्यू माइनस 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? नो सॉल्यूशन, क्योंकि चाहे जो भी वैल्यू डाल लो, क्या कभी मॉड की वैल्यू निगेटिव आ सकती है? मॉड की वैल्यू कभी भी निगेटिव आ सकती है? नहीं आ सकती. तो किसी भी केस में, I repeat, किसी भी केस में मॉड की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी. तो इसका मतलब मेरे लास्ट पॉइंट के भी दो केसेस बन रहे होंगे. अगर ए पॉजिटिव है तो आंसर प्लस माइनस ए है, अगर ए नेगेटिव है तो आंसर है नो सॉल्यूशन. ठीक है, अभी इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, होपफुली उससे मॉडुलस और क्लियर होगा. ठीक है, पांच क्वेश्चन दूंगा लाइन से, एंड यू हैव टू सॉल्व दोस 5 क्वेश्चंस. पहले पांचों क्वेश्चन लिखोगे फिर सॉल्व करोगे. Everyone, ठीक है. Everyone, you have 5 minutes. Solve all the question और फिर एक ही message में मुझे सारे 6 questions का answer दोगे. ठीक है, मुझे एक एक करके नहीं चाहिए. ठीक है, एक simple method में answer चाहिए. First, सेकेंड, अच्छा सेकेंड कौन सा है? सेकेंड ये वाला है, गलती से मैंने, दिस इज थर्ड. एवरीवन, दिस इज थर्ड. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स. ठीक है, दीज आर द 6 क्वेश्चंस. डू इट एंड गिव मी, एवरीवन फर्स्ट राइट डाउन ऑल द 6 क्वेश्चन, देन डू इट एंड गिव मी द आंसर इन वन गो.
ओके गुड। गुड मंदार, श्रावणी गुड, श्रावणी करत गुड, यश श्रवण गुड, मैं आंसर आंसर लिखता हूं सबका, छोटा छोटा कर देता हूं। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए थी। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, नो सॉल्यूशन, ये भी नो सॉल्यूशन, ये भी नो सॉल्यूशन, मतलब ठीक है, जो मुझे सॉल्व करना है वो 1, 3 एंड 5 करना है, 2, 4, 6 आर नो सॉल्यूशन। अच्छा 3 को अगर मैं करता हूं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू, x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये मेरा पहला स्टेप होगा। तो मैं ऐसे 7 और माइनस 7 लिखूंगा, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 और -7 प्लस 2, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, 5 माइनस x इज इक्वल टू 10 और -10, तो -x इज इक्वल टू 10 -5 और 5 और 50, ठीक है। सो दैट वे वी डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसमें डायरेक्ट सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्विंग। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आज की क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, कुछ चीजें इसकी बची हैं वो करेंगे प्लस आगे करेंगे। क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम्स करेंगे। ठीक एवरीवन डू दिस, एवरीवन डू दिस। एवरीवन आंसर दो इसका,
गुड तोहिन, शुभांगी गुड, सॉल्व करते हैं। देखो स्टेप वन वही रहा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू सिक्स और माइनस सिक्स। नक्षत्र गुड, यश पाटिल गुड। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो और फैक्टराइजेशन होपफुली आई गेस आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देख लेंगे हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई कैन फैक्टराइज दिस, तो इससे आंसर आया सिक्स माइनस वन और तो देयर वुड बी फोर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑल द फोर आंसर्स 6 minus 1, 2 and 3. These would be the four answers. Okay? ठीक है गाइस। हाँ अभी 2 बजे आएगा से स्ट्रेट लाइन की क्लास है, अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं रिवाइज की है तो रिवाइज करके क्लास में बैठना, ठीक है। Yes. Everyone, we are done for today. Please revise. कवर अप के लिए प्लीज रिवाइज दिस एंड ट्यूजडे, आई रिपीट ट्यूजडे आप लोगों की लॉग्स एंड एक्सपोनेंशियल की क्लास होगी, इस क्लास का कंटिन्यूएशन होगा। ओके ओके जयेश बेटा, हैप्पी बर्थडे, एंजॉय द क्लास, रात को एंजॉय द पार्टी, ठीक है। एवरीवन लेट्स मीट एट 2:00 देन एंड सी या।